विराट कोहली ने चली तगड़ी चाल, नए नियम के साथ रैना को किया आरसीबी की स्क्वाड में शामिल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सुरेश रैना के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों बात करें अगर सुरेश रैना के बारे में तो आपको बता दें कि पिछले 2-3 सालों से सुरेश रैना का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। वो पिछले 2-3 सालों से आईपीएल के हाईएस्ट रन स्कोर रहे हैं। लेकिन आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। आईपीएल में सुरेश रैना जैसा धाकड़ खिलाड़ी अनसोल्ड रह गया। आपको बता दें कि सुरेश रैना ने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी थी, लेकिन किसी भी टीम ने इन्हें खरीदने पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद सुरेश रैना काफी मायूस नजर आए और वो भावुक भी हो गए। हालांकि सुरेश रैना के फैंस उन्हें फिर से आईपीएल 2022 में वापसी करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई के अब एक नए नियम के मुताबिक सुरेश रैना हमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये नियम है कोविड-19 बैकअप प्लेयर का, जिसमें टीमें अपने बैकअप प्लेयर के तौर पर किसी खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ सकती है। इस नियम के तहत अगर टीम स्क्वाड का कोई भी प्लेयर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उस खिलाड़ी की जगह कोविड रिप्लेसमेंट वाला खिलाड़ी इसको रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड में अभी सिर्फ 22 ही खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनके पास मौका होगा कि अगर वो चाहे तो सुरेश रैना को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। ऐसे में दोस्तों अभी ये जो खबर बड़ी निकल कर सामने आई है, सुरेश रैना कोविड रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी के टीम के हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपके मुताबिक सुरेश रैना को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।